हेलो एवरीवन, आज की क्लास के अंदर हम रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द रीजन बिहाइंड इट इज अमेंडेड, मतलब रिटर्न के जो प्रोविजन जो आपने पढ़े वो तो है ही, लेकिन दे इज ए इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इज इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 QRMP स्कीम। ये जैसा कि नेम है स्कीम का, नेम से ही सजेस्ट करता है QRMP, QR क्वार्टरली रिटर्न, MP मंथली पेमेंट। ये स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लाई गई कि भैया देखो, हम आपके बर्डन को कम करते हैं। आपको जो रिटर्न फाइल करनी होती है ना, वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। तो जिनके ऊपर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली रिटर्न देना, लेकिन जिनके ऊपर जो इसकी मंथली है, मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो भैया आप रिटर्न क्वार्टरली कर देना, लेकिन टैक्स हम क्वार्टरली नहीं लेंगे, टैक्स तो मंथली लेंगे। देयर इज अ QRMP, मीन जो भी CST में रजिस्टर्ड है वो ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है कि रिटर्न क्वार्टरली पे फाइल करे, लेकिन जो GST का जो पेमेंट है वो मंथली आपको करना ही पड़ेगा। अब रिटर्न क्वार्टरली कितने टाइम पीरियड के अंदर फाइल करनी पड़ेगी, कैसे फाइल करनी पड़ेगी, मंथली पेमेंट आपको कब तक करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, और ये स्कीम किन के लिए एलिजिबल है, तो हम डायरेक्टली स्कीम में ही जाते हैं। QRMP स्कीम में ही विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, नंबर वन पॉइंट एलिजिबिलिटी फॉर द स्कीम। यदि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर ओनली 500 करोड़ का है, तो क्या मैं स्कीम क्वार्टरली वाली ऑप्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो। 1 जनवरी 2021 से एक स्कीम लाई गई है सिर्फ उन पर्सन के लिए जिनको GSTR 3B फाइल करना है। जिन भी पर्सन को GSTR 3B फाइल करना है, अब GSTR 3B मंथली फाइल करने की बजाय अभी GSTR 3B आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर, और ये एग्रीगेट टर्नओवर वही होगा जो हम कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं देखना होगा, एग्रीगेट टर्नओवर आपको देखना होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस भी ईयर में और क्वार्टर में आप क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिस भी क्वार्टर में, जिस भी ईयर में आपको ये स्कीम ऑप्ट करनी है, उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर। ये स्कीम 1 जनवरी 2021 में आई, इसका मतलब 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 21 में भी आप ऑप्ट कर सकते हो और फ्यूचर में भी ऑप्ट कर सकते हो। तो यदि कोई पर्सन जैन, फेब, मार्च, ये जो क्वार्टर है जैन टू मार्च 2021 में, जैन टू मार्च 2021 में यदि वो क्वार्टरली स्कीम यदि ऑप्ट करना चाहता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ बेटा? 2021। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-2021 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1920। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? अप टू ₹5 करोड़। मतलब दो बातें, आपको GSTR 3B फाइल करनी, जो पहले फाइल करनी होती थी मंथली, अब आप 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन ये क्वार्टरली स्कीम उन्हीं रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगी जो जब ऑप्ट करना चाहते हो उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए? अप टू ₹5 करोड़। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ये क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट करने का आपके दिमाग में आया, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले क्वार्टर में 2021, तो यदि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 में यू वांट टू डू ऑप्ट क्वार्टरली स्कीम, आपने पहले ऑप्ट किया नहीं, अब ऑप्ट करना चाहते हो, तो क्या ऑप्ट कर सकते हो? यस। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ बेटा? 21-22। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, इसके लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा बेटा आपका 2021 में जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए अप टू ₹5 करोड़। समझ में आया कि नहीं आया? ये दो एग्जांपल से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन इसको GSTR 3B फाइल करना है, पहले रिक्वायरमेंट फॉर्म नंबर GSTR 3B फाइल करना है एंड एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए अप टू ₹5 करोड़। कौन से ईयर में देखना है बोलो, कौन से ईयर में देखना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपीस तक है तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था, रिटर्न के साथ ही टैक्स पे करना है, मतलब यदि आपकी रिटर्न मंथली है तो टैक्स भी आपका मंथली पे होगा। यह GSTR 3B अभी तक मंथली हुआ करती थी, तो अब नाउ GSTR 3B वालों को बोला गया कि GSTR 3B आपको फाइल करनी है लेकिन ये मंथली की जगह क्वार्टरली कर देना, लेकिन मंथली पेमेंट करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है सर, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे देखा जाएगा? अब क्या एग्रीगेट टर्नओवर वैसे ही देखा जाएगा जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं? नो, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर ये वर्ड यूज आता है कहीं? आता है। आप रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए या कंपोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हो कि ये टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे सिंपली दिया गया भैया एग्रीगेट टर्नओवर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपका कॉमन पोर्टल है ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपने डिटेल्स फाइल की होगी आपके आउटवर्ड की, तो जो भी डिटेल्स आपने फर्निश की अपनी रिटर्न के अंदर उसके अंदर पूरा का पूरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर ऐड कर लो, दैट इज द एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट मीन दैट जो हमने पहले बात किया इन द चैप्टर रजिस्ट्रेशन इन द चैप्टर कंपोजिशन स्कीम। यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होगा, एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट टोटल ऑफ द टर्नओवर जो आपने रिटर्न जो लास्ट ईयर फाइल की थी उसके अंदर जो आपने डिटेल्स मेंशन की है। फिर दिमाग में डाउट आएगा सर, फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर मैंने ये स्कीम ऑप्ट कर ली क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि करंट ईयर में अब किसी क्वार्टर में बोलो करंट ईयर में यदि किसी क्वार्टर में यदि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर अब इन द करंट फाइनेंशियल ईयर मेरा यदि 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आने वाले क्वार्टर के अंदर आप QRMP आपको ऑप्ट आउट करनी पड़ेगी, मतलब इसका आपको बाहर निकलना पड़ेगा, इसको आपको सीज हो जाएगी। फर्दर मैं पूरे एग्जांपल के साथ बताऊंगा बेटा ये वाला पॉइंट, डोंट वरी अबाउट इट। फर्दर इन द केस द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ₹5 करोड़, यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में यदि 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया ड्यूरिंग एनी क्वार्टर, तो उस क्वार्टर में तो आपने पहले ही ऑप्ट कर लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर। मतलब ये कि 20 और 21 में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ ही है, तो मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट कर ली। अक्टूबर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, नवंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, 10 दिसंबर को मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 21-22 का 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो भैया आपने अक्टूबर नवंबर में तो ऑलरेडी क्वार्टरली स्कीम ऑप्ट कर ली, तो जिस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर यदि 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो उस क्वार्टर में तो आप पहले ही ऑप्ट कर चुके होते हो, तो इसलिए नहीं तो जो स्कीम चल रही है वो कंटिन्यू रहे, लेकिन आने वाला जो क्वार्टर है तो जैसे ही 10 दिसंबर 2021 को या 12 दिसंबर 2021 को यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर अब 21 और 22 का 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च 2022 अब ये स्कीम आप ऑप्ट नहीं कर सकते, आप स्कीम से बाहर निकल जाओगे। इस पर मैं आगे भी आपको बात करूंगा, फिलहाल आपको एलिजिबिलिटी की बात करनी है। सर एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गया सर, GSTR 3B अब तक आपको मंथली फाइल करना पड़ता था सर, अब GSTR 3B मंथली की जगह क्वार्टरली होगा। किन के लिए?
जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹5 करोड़ है, और एग्रीगेट टर्नओवर मतलब कॉमन पोर्टल के अंदर जो भी आपने डिटेल फर्निश की है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की सारी डिटेल्स को आप ऐड कर लो, दैट इज द एग्रीगेट टर्नओवर। नाउ पॉइंट नंबर टू, अब यदि आप, क्योंकि ये स्कीम आपकी 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाती है, तो अब आपके दिमाग में 1 जनवरी को आ रहा है, हो सकता है कि आपने 1 जनवरी को ऑप्ट नहीं किया हो, फ्यूचर में आप फरवरी में ऑप्ट करना चाहते हो, कभी नवंबर में ऑप्ट करना चाहते हो, फरवरी 2022 में ऑप्ट करना चाहते हो, दिसंबर 2023 में ऑप्ट करना चाहते हो, सितंबर 2024 में ऑप्ट करना चाहते हो, तो फ्यूचर में यदि आप किसी क्वार्टर में यदि ये स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो तो स्कीम कैसे ऑप्ट करोगे, तो उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट है दैट इज द पॉइंट नंबर टू। क्वेश्चन समझ में आए बट हम क्या बात करने जा रहे हैं, ये स्कीम ऑप्ट कैसे की जाएगी, ये स्कीम कब ऑप्ट की जाएगी, ये स्कीम आपको क्वार्टरली वाइज है, मतलब किसी भी क्वार्टर के लिए स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, और एक बार ये स्कीम ऑप्ट कर लोगे ना तो इसको आप बार बार क्विट भी नहीं कर सकते, मेरा एक बार स्कीम ऑप्ट कर ली बार बार अवेल करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक क्वार्टर में ऑप्ट करना चाहता हूँ तो उस क्वार्टर में कंटिन्यू रहेगी, और जब तक मैं रिवाइज नहीं करूँगा तब तक वो स्कीम चलती रहेगी, मतलब ये कि एक बार ऑप्ट करने के बाद मैं चेंज तो कर सकता हूँ लेकिन बिना चेंज किए वो स्कीम कंटिन्यू रहेगी। ये सारे प्रोविजन आपके रूल नंबर 61A में दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मैंने बोला ना आपकी मर्जी, बहुत ईजी बनाया है, जिसे आपको याद आ रहा होगा ये कंपोजिशन स्कीम भी ऑप्शनल होती है, आप चाहो तो कभी भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें ये था कि जब भी फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ये स्कीम आओ ऑप्ट कर लो, याद आया बेटा। लेकिन यहाँ पे QRMP, कौन सी स्कीम की बात हो रही है, QRMP के लिए आप फाइनेंशियल ईयर में किसी भी वक्त ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ये स्कीम ऑप्ट करनी है, आपकी मर्जी कभी भी ये स्कीम ऑप्ट कर लो। ध्यान से पढ़ना पॉइंट नंबर टू का ए, फैसिलिटी टू अवेल द स्कीम QRMP ऑन द कॉमन पोर्टल वुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में अवेलेबल है, मतलब ये कि आप किसी भी मंथ में किसी भी वक्त ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में, जनवरी में, मतलब जब आपकी मर्जी हो ये स्कीम ऑप्ट कर लेना। लेकिन स्कीम ऑप्ट करने का तरीका क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 61A ये स्कीम आपकी क्वार्टरली वाइज होगी। तो फॉर एग्जाम्पल यदि ये स्कीम आप जुलाई सितंबर, नहीं, क्वार्टर कौन सा होता है बेटा, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि आपके क्वार्टर तो फिक्स ही होंगे ना बेटा, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आपका फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर है, कौन सा क्वार्टर है बेटा, जुलाई अगस्त सितंबर 2021। तो जुलाई अगस्त सितंबर 2021 में रजिस्टर्ड पर्सन वांट्स टू अवेल QRMP। तो एक रिक्वायरमेंट तो आपने पढ़ ली, कंडीशन तो आपने पढ़ ली कि जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर यदि 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है 2021 में, तो 21-22 के जुलाई अगस्त सितंबर के लिए आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाले स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। द पॉइंट इज आप कैसे, जुलाई अगस्त सितंबर में यदि ये स्कीम ऑप्ट करनी है तो जुलाई अगस्त सितंबर के लिए प्रीसीडिंग मंथ, प्रीसीडिंग क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर से पहले वाला क्वार्टर कौन सा बेटा, अप्रैल मई जून। तो आपको क्या करना होगा, यदि आप जुलाई अगस्त सितंबर में QRMP यदि ऑप्ट करना चाहते हो तो आप कभी भी ऑप्ट कर सकते हो। सर किस टाइम पीरियड के अंदर,
1 मई 2021 से लेके जो ये क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर तो जुलाई का लास्ट डे दैट इज आ 31 जुलाई 2021। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी नहीं बेटा, अपन बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे। आपको पढ़ना है लेकिन बाद में पढ़ना, पहले मैं एक बार पूरा समझा दूंगा, एक बार पूरा कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, फिर आप रीड करोगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो मैं स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो मैंने जनवरी फरवरी मार्च में नहीं ऑप्ट की, मेरी मर्जी। मैंने अप्रैल मई जून 2021 में भी ये स्कीम ऑप्ट नहीं की। अब मैं जुलाई अगस्त सितंबर 2021 में, सुनना बात, मैं जुलाई अगस्त सितंबर 2021 में ये स्कीम ऑप्ट करना चाहता हूँ तो ये स्कीम मैं अवेल करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा किस टाइम पीरियड के अंदर? 1 मई 2021 से लेके मतलब जिस क्वार्टर में ये स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो उसके पहला वाला क्वार्टर। आपको जुलाई अगस्त सितंबर में यदि ये स्कीम ऑप्ट करनी है तो जुलाई अगस्त सितंबर से पहले वाला क्वार्टर क्या हुआ बेटा, बोलो मेरे साथ, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून तो जो क्वार्टर है प्रीसीडिंग क्वार्टर, तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकेंड मंथ, प्रीसीडिंग क्वार्टर अप्रैल मई जून का सेकेंड मंथ क्या हुआ? मई। क्योंकि क्वार्टर जो है पहले वाला क्वार्टर क्या हुआ? अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून में 3 महीने, पहला मंथ अप्रैल, सेकेंड मंथ मई, थर्ड मंथ जून। तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकेंड मंथ डेट इज अ मई, तो मई का फर्स्ट डे डेट इज अ 1 मई 2021 से लेके जिस क्वार्टर में ये स्कीम ऑप्ट करनी है उस क्वार्टर का भी फर्स्ट मंथ, तो कौन से क्वार्टर में स्कीम ऑप्ट करनी है सर? जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर का पहला मंथ क्या हुआ? जुलाई। तो जुलाई पहले मंथ का लास्ट डे क्या हुआ? 31 जुलाई। इस टाइम पीरियड में मैं कभी भी ये स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं। अब मैंने एक बार जुलाई अगस्त सितंबर 2021 के लिए यदि QRMP स्कीम मेरी ऑप्ट कर ली तो ये स्कीम मेरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, मुझे बार बार ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार स्कीम ऑप्ट कर ली, जब तक मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगा, कैंसिल नहीं करूंगा, दिस स्कीम विल बी कंटिन्यू। लेकिन एक बार यदि आपको ये स्कीम ऑप्ट करनी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक क्वार्टर के लिए स्कीम ऑप्ट करूंगे तो जिस क्वार्टर में ये स्कीम ऑप्ट करूंगे उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर, उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर, तो जुलाई अगस्त सितंबर, जरूरी नहीं जुलाई अगस्त सितंबर, आप कोई दूसरा क्वार्टर भी ले सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में ये स्कीम ऑप्ट करनी है तो पहले वाला क्वार्टर हुआ आपका अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून तो पहले वाले क्वार्टर का सेकंड मंथ दैट इज अ मई, तो मई का फर्स्ट डे दैट इज अ 1 मई से लेके जिस क्वार्टर के लिए स्कीम ऑप्ट करना चाह रहे हो जुलाई अगस्त सितंबर, तो जो क्वार्टर का पहला मंथ है जुलाई, जुलाई का लास्ट डे इस टाइम पीरियड के अंदर मतलब 1 मई से लेके 31 जुलाई तक आप जुलाई अगस्त सितंबर 2021 के लिए QRMP ऑप्ट कर सकते हो। कंडीशन एक तो मैंने आपको पहले बता ही दी है, क्या कंडीशन है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर वन थी और ये आपकी कंडीशन नंबर सेकंड है। सर सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है, इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव furnish the last return as due on the date of exercising the option। मतलब जिस डेट पे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाह रहे हो, जिस डेट पे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाह रहे हो उस दिन जो भी रिटर्न ड्यू है वो रिटर्न आपने फाइल कर दी हो, तो जो भी रिटर्न आपकी एप्लीकेबल है, मतलब ये बोल सकते हो कि जिस दिन आपने ये ऑप्शन अवेल किया उस दिन जो भी रिटर्न आपके ऊपर ड्यू एप्लीकेबल थी वो रिटर्न आपने टाइमली फाइल कर दी है। ये मैंने ऑलरेडी बताई दिया पॉइंट नंबर बी, ऑप्शन एप्लीकेबल फॉर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, मतलब ये कि आपने जुलाई अगस्त सितंबर 2021 के लिए एक बार क्या किया, ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेटा? QRMP अवेल किया, तो नाउ This option will continue for future quarters। जब तक
आप रिवाइज नहीं करते, और ये स्कीम ईयर वाइज भी नहीं होती, मतलब एवरी ईयर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। आपने क्वार्टर के लिए एक बार ये स्कीम ऑप्ट की तो फ्यूचर के क्वार्टर्स के लिए स्कीम आपकी कंटिन्यू रहेगी, आप चाहो तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए स्कीम आप क्विट भी कर सकते हो। लेकिन जब तक कुछ भी चेंज नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, आपका QRMP स्कीम चलता रहेगा यदि आपने एक बार यदि ऑप्ट कर लिया तो। वेयर सच ऑप्शन एज बीन एक्साइज वंस, एक बार यदि आपने ऑप्शन अवेल किया, कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न एज पर अ सेलेक्टेड ऑप्शन फॉर द फ्यूचर टैक्स पीरियड, जब तक आप इस ऑप्शन को रिवाइज नहीं कर लेते। पॉइंट नंबर टू तो चल ही रहा है, पॉइंट नंबर सी, माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एलिजिबल टैक्स पेयर, ये एक बार रीड कर लेना क्योंकि ये सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए पॉइंट एप्लीकेबल होता है। मतलब ये कि वो पर्संस जो 31 दिसंबर 2020 तक मंथली या जो भी पुराने वाले जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करते थे, नाउ दे कैन ऑप्ट द न्यू कंसेप्ट। और वॉट इज द न्यू कंसेप्ट? QRMP। तो पहली बार ये जो स्कीम आई वो नया क्वार्टर क्या था जिसके लिए स्कीम एप्लीकेबल हुई थी, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स। तो पहला क्वार्टर क्या हुआ आपका? जनवरी फरवरी मार्च। तो फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द स्कीम फॉर द क्वार्टर जैन 2021 टू द मार्च 2021, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 इज अप टू ₹5 crore and who have furnished a return in the form number GSTR 3B for the month of the October 2020 by 30th November 2020 shall be migrated. Migrated matlab they can opt the new scheme QRMP. Kuch logon ke liye ek default option tha aur kuch log opt kar sakte the, matlab default to hai लेकिन ऑप्शनल तो सबके लिए ही है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमने सबको दिया है, कुछ लोगों के लिए डिफॉल्ट था। यदि आपने ऑप्ट नहीं किया तो पहले भी आप क्वार्टर में थे तो अभी भी आप क्वार्टर में आ जाओगे, लेकिन आप पहले मंथ में थे तो अभी भी आप क्वार्टर में आ सकते हो, तो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। दिस ऑप्शन इज गिवन टू ऑल। यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यदि अप टू ₹5 crore है तो आप इजिली जो भी आपका करंट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च 2021 या एनी अदर क्वार्टर उसके लिए आप QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। एक बार यदि आपने स्कीम ऑप्ट कर ली, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे QRMP चलता रहेगा। अब फ्यूचर में आप कभी QRMP से बाहर निकलना चाहते हो तो क्या बाहर निकलने का कुछ तरीका है? टाइम लिमिट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द स्कीम, स्कीम से बाहर निकलने का तरीका? यस। अभी हमने स्कीम कब ऑप्ट की थी बेटा? मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 2021 में जब आपने QRMP ऑप्ट किया था तो इसके लिए आपने क्या देखा था बेटा? प्रीसीडिंग। तो जुलाई अगस्त सितंबर में QRMP ऑप्ट करने के लिए जो प्रीसीडिंग क्वार्टर था तो अप्रैल मई जून में ये स्कीम कब ऑप्ट की गई थी बेटा? 1 मई 2020 से लेके 21 से लेके 31 जुलाई 2021 के बीच में आपने स्कीम ऑप्ट की थी, जुलाई अगस्त सितंबर 2021। ये मैंने आपको बता ही दिया, एक बार जो आपने स्कीम ऑप्ट की वो आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, तो आपने रिवाइज नहीं किया ये स्कीम चलती रही। अब आप एक क्वार्टर है फॉर एग्जांपल अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023, तो यदि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 के अंदर ये स्कीम से यदि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो, जब कौन से वाले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 क्वार्टर के लिए ये स्कीम से यदि आप बाहर निकलना चाहते हो तो आपको कब ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्ट आउट के लिए? तो
तो अगेन आपका स्टाइल वही रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 में एक स्कीम से बाहर निकलने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्रेसिडिंग क्वार्टर। तो प्रेसिडिंग क्वार्टर क्या हुआ बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 के लिए जुलाई अगस्त सितंबर 2023। तो आपको ये स्कीम ऑप्ट आउट के लिए अवेल कब करना पड़ेगा, ये जो फैसिलिटी ऑप्ट आउट करने की, ये आपको अवेल करना पड़ेगा अगेन प्रेसिडिंग क्वार्टर का सेकेंड मंथ दैट इज अगस्त। तो फर्स्ट अगस्त 2023 से लेके जो करंट क्वार्टर का जो पहला मंथ है दैट इज अक्टूबर 31st अक्टूबर 2023, इस टाइम पीरियड के अंदर आप कभी भी स्कीम को ऑप्ट आउट कर सकते हो, स्कीम से बाहर निकलने के लिए अवेल कर सकते हो। कौन सी स्कीम? QRMP। कौन से क्वार्टर के लिए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर से स्कीम बाहर निकलनी है तो उसके लिए आप 1 अगस्त से लेकर 31st अक्टूबर के बीच में कभी भी डिसाइड कर लो। समझ में आ गई बात बेटा? पॉइंट नंबर ई, एलिजिबिलिटी सीजेस व्हेन टर्नओवर एक्सीड ₹5 करोड़। एक तो आप ऑप्शनल भी स्कीम से बाहर निकल सकते हो और कंपलसरी भी हम आपको स्कीम से बाहर निकाल देंगे यदि आपने ऑप्ट आउट नहीं किया। कब? यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर यदि फाइनेंशियल ईयर में किसी भी क्वार्टर में यदि 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट सच रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्न ओवर क्रॉसेज ₹5 करोड़ ड्यूरिंग ए क्वार्टर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर देन ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑन ए मंथली बेसिस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द सक्सेसिंग क्वार्टर। मतलब ये हुआ कि 2021-2022 में आपका QRMP चल रहा है। तो हुआ क्या, पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है आपका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुलाई अगस्त सितंबर में भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 में एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस ₹5 करोड़, जो मैंने एग्जांपल भी दिया था स्टार्टिंग में। यदि 10 दिसंबर 2021 को आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो भैया आपने अक्टूबर नवंबर में तो आपने क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला स्कीम ऑप्ट कर लिया था, तो अब तो इस क्वार्टर के लिए तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब जो आने वाला जो क्वार्टर है, तो आने वाला क्वार्टर क्या है, जनवरी फरवरी मार्च 2022। तो जो अपकमिंग जो क्वार्टर है, जो नेक्स्ट क्वार्टर है, तो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आप QRMP ऑप्ट नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं केस स्टडी के फॉर्म में, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है रिटर्न वाले चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है QRMP। तो यदि एग्रीगेट टर्नओवर यदि फाइनेंशियल ईयर में आपका 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो जिस क्वार्टर में हो गया उस क्वार्टर के लिए स्कीम बाहर नहीं निकलेगी, वो क्वार्टर चलेगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्वार्टर है तो उस नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आप क्या होंगे, QRMP से आउट हो गए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर QRMP इन द नेक्स्ट क्वार्टर। जनरली जब हमने स्कीम ऑप्ट की थी, लाइक हमने कंपोजिशन स्कीम भी ऑप्ट की थी, आपको याद होगा सेक्शन 10 था, मैंने आपको एक बार बताई थी कंपोजिशन स्कीम के अंदर कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका एक पैन नंबर है, मतलब एक ही आइडेंटिटी है, लेकिन उसके 2 GST इन है, कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट या विद इन स्टेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आपने ले लिए हो, तो हो सकता है कि आपका पैन नंबर एक ही हो, मतलब पर्सन एक ही हो, लेकिन उसकी 2 ब्रांचेस या तो विद इन द स्टेट या अनदर स्टेट होने की वजह से आपने GST नंबर अलग अलग ले लिया हो। तो दोनों के GST नंबर क्या है, अलग अलग है, तो याद आ रहा होगा
वहाँ पे हमने बात की थी, जब हमने कंपोजिशन स्कीम पढ़ी थी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक जीएसटी नंबर पे आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लो और एक जीएसटी नंबर पे आप नॉर्मल स्कीम ऑप्ट कर लो। याद आ रहा है बेटा? याद आया ना? ये अलाउड नहीं है बेटा, दिस इज नॉट अलाउड। या तो आपकी जितनी ब्रांचेज हैं, जितने भी आपके जीएसटी नंबर हैं एक पैन नंबर से, तो या तो सब में आप नॉर्मल रहो या सब में छोटू बने रहो, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करो, ये अलाउड नहीं है। यदि एक भी जगह यदि आपने नॉर्मल ले लिया तो बाकी जगह आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। या तो हर जगह आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करोगे या हर जगह आप नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करोगे। ये कंपोजिशन का था जो हमने पढ़ा था, लेकिन क्यूआरएमपी के लिए हमने बोला भैया सुनो, किसके लिए बेटा? क्यूआरएमपी के लिए। तो क्यूआरएमपी के लिए क्या बोला कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब पर्सन एक ही है विद द पेन नंबर, और यदि उसकी दो ब्रांचेज हैं एक स्टेट में या अलग अलग, लेकिन दो जीएसटी नंबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं डीपी। तो ऐसा कर सकते हो कि एक जीएसटी नंबर पे आपने क्यूआरएमपी ले लिया और एक जीएसटी नंबर पे आपने नॉर्मल स्कीम ले ली, दिस इज अलाउड। मतलब ये कि क्यूआरएमपी स्कीम आप जीएसटी नंबर वाइज ऑप्ट कर सकते हो, दिस इज अलाउड टू यू। ऐसा नहीं है कि एक पेन नंबर से आपकी जितनी ब्रांचेस है सब पे आपको क्यूआरएमपी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यदि आपकी तीन ब्रांचेस है जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, तो आप ये कर सकते हो कि जयपुर में तो आपने क्यूआरएमपी ले लिया और मुंबई में आपने क्या किया, क्यूआरएमपी नहीं लिया, नॉर्मल ले लिया, दिस इज अलाउड। सम जीएसटी नंबर फॉर दैट पेन कैन ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी एंड द रिमेनिंग जीएसटी इन मे नॉट ऑप्ट फॉर द स्कीम, ऐसा अलाउड है। मतलब अब आपकी मर्जी है कि अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि यदि आपने एक जीएसटी नंबर से ही क्यूआरएमपी ले लिया तो बाकी जीएसटी नंबर पे भी आपको क्यूआरएमपी लेना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट अब नहीं है फॉर क्यूआरएमपी। लेकिन कंपोजिशन स्कीम के लिए पहले भी थी, अभी भी कंपोजिशन स्कीम के लिए यही रिक्वायरमेंट है। तो ये जो पॉइंट आया है ये किसके लिए आया है? क्यूआरएमपी के लिए आया है, जो नई स्कीम लॉन्च हुई है क्यूआरएमपी। ये बहुत जनरल पॉइंट है, जब आपको क्वार्टर रिटर्न फाइल करनी है तो जो आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स जो आप जीएसटीआर 1 में फाइल करोगे वो भी आपको क्वार्टरली फाइल करनी होगी। द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर द स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन अ फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 क्वार्टरली। आई प्रॉब्लम हो गई, मैं रजिस्टर्ड पर्सन, सुनना बात ध्यान से, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यदि ए रजिस्टर्ड पर्सन है, अब यदि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा तो आपको पता होगा ए सप्लायर के रिटर्न के आधार पे बी जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी मिल जाता है। अब यदि ए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा और बी ने मंथली स्कीम ली है तो बी आईटीसी कैसे लेगा बताओ? तो बी ए को बोलेगा भैया देखो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपनी डिटेल्स और आउटवर्ड सप्लाईज कॉमन पोर्टल पे फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी आउटवर्ड सप्लाईज कॉमन पोर्टल पे फाइल होगी तो ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी मेरे अकाउंट में आएगा, तभी मुझे आईटीसी मिलेगा, क्योंकि मुझे आईटीसी लेना है वरना मैं आपसे माल खरीदूंगा ही। तो रेसिपिएंट भैया सप्लायर को पहले ही बोल देगा ए तू क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हूं मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? मेरे को इनवॉइस चाहिए, मेरे को तेरा डिटेल्स और आउटवर्ड सप्लाईज चाहिए, क्योंकि जब तू आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स देगा ना, जब तू अपनी इनवॉइस देगा ना, उसी इनवॉइस के आधार पे मेरे जीएसटीआर 2B या 2A के अंदर क्या होना चाहिए? ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी आना चाहिए, क्योंकि जो सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाईज है ये अपन ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। सप्लायर की जो आउटवर्ड सप्लाईज है रेसिपिएंट के लिए क्या बन जाती है? इनवर्ड सप्लाईज। तो रेसिपिएंट को जो आईटीसी मिलता है वो जीएसटीआर 2A और 2B के आधार पे मिलता है। याद आया कि नहीं आया? अच्छा आया ना, इसलिए हमें कंसेप्ट बनाना पड़ा। और सप्लायर भैया
यानी रेसिपियन यदि आपसे लड़ाई करें, रेसिपियन यदि आपको बोले तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि रिटर्न आपको क्वार्टर ही फाइल करनी पड़ेगी। GSTR 1, बोलो GSTR 1, ये जो ए भैया है ये जब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा तो GSTR 1 जो है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज वो भी क्वार्टरली ही फाइल करेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जुलाई महीने में आपने 15 माल बेचे, 15 इनवॉइसेज है, तो 15 में से 2 इनवॉइसेज पर ITC लेना है रेसिपिएंट को, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 इनवॉइसेज, कितने इनवॉइसेज, 2 इनवॉइसेज आप आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, क्योंकि GSTR 1 तो बीच में फाइल हो गई, GSTR 1 तो आपको क्वार्टर एंड होने के बाद ही फाइल करना है, क्योंकि रिटर्न भी आपको क्वार्टरली फाइल करनी है, GSTR 1 भी आपको क्वार्टरली फाइल करना है। तो ए भैया आप रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर देना, लेकिन IFF करके आपको एक फैसिलिटी मिलेगी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसमें आप 2 इनवॉइसेस की आउटवर्ड सप्लाईज अपने GST कॉमन पोर्टल पे फाइल कर सकते हो, जिससे कि जो रेसिपिएंट होगा इन 2 इनवॉइसेस के रिगार्डिंग ITC ले ले। भैया ये जो फैसिलिटी है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सप्लायर को लेना ही पड़ेगा। यदि सप्लायर ने कोई B2B माल बेचा है, रेसिपिएंट बोलता है भैया जरूरी है मैं तो ITC लूंगा, तो अब ITC लूंगा तो भैया मेरे GSTR 2A 2B के अंदर ITC आना चाहिए, लेकिन वो ITC तभी आएगा जब तुम आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स देगा, और ये जो सप्लायर है ये तो GSTR 1 फाइल करता है क्वार्टरली, तो इसलिए सप्लायर को एक ऑप्शन दिया गया है कि जितना भी आपने सप्लाईज किया तो अर सप्लाई का आपको आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं, वो आप क्वार्टरली देते रहना। जिन इनवॉइसेज पे रेसिपिएंट ITC लेना चाहता है या ड्यू टू एनी रीजन यदि आप इनवॉइस फर्निश करना चाहते हो, तो कुछ इनवॉइसेस आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल दे सकते हो, जिससे कि रेसिपिएंट को GSTR 2B के अंदर आके ITC मिल जाए। और जो इनवॉइसेज आपने मंथ के अंदर नहीं बताई है, वो इनवॉइसेज आपको क्या करनी पड़ेगी, जब आप क्वार्टर एंड होने के बाद क्या GSTR 1 फाइल करोगे, उस GSTR 1 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइसेज मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 15 इनवॉइसेज है पूरे मंथ के अंदर, तो 15 में से 2 इनवॉइसेज जो आपने IFF के थ्रू ऑलरेडी फर्निश कर दी, तो कितनी बची, 13, तो 13 GSTR 1 में जाएगी और 2 आपकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, जिससे कि जो रेसिपिएंट है उसको ITC मिल जाए। सर इसका भी कोई टाइम पीरियड है, बिल्कुल, अब जब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू मंथ एंड होने के बाद, जुलाई मंथ एंड होने के बाद आप जब अगस्त में दोगे तो 13 दिन मिलेंगे आपको, 1 से 13 अगस्त, ये 2 महीने के लिए ऑप्शन मिलता है। मतलब जैसे कि जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर है, तो जुलाई अगस्त सितंबर यदि आपका क्वार्टर है तो सितंबर की जो रिटर्न फाइल होगी होगी, अब तो सितंबर एंड होने के बाद, तो सितंबर के लिए नहीं। यदि सप्लायर जुलाई की आउटवर्ड सप्लाईज यदि फाइल करना चाहता है तो 1 से 13 अगस्त तक फाइल कर सकता है, और अगस्त के लिए 1 से 13 सितंबर तक आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स फाइल कर सकता है, चाहे तो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि आउटवर्ड सप्लाईज का जो डिटेल्स है वो आपको क्वार्टरली ही देना होता है, जो रिक्वायरमेंट है वो क्वार्टरली है, लेकिन ड्यू टू द रीजन ऑफ कि रेसिपिएंट को ITC मिल जाए इसलिए जरूरी हो, तो सप्लायर को हमने एक ऑप्शन दिया है, हमने एक वे दिया है कि यदि आप जिन इनवॉइसेज को मंथ एंड होने के बाद आप आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स फर्निश करना चाहते हो अपने कॉमन पोर्टल पे, तो आप कर सकते हो 13 दिन के अंदर मंथ एंड होने के बाद। एक बार हम लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं बेटा, फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि जुलाई और अगस्त, क्योंकि सितंबर तो अब एंड हो ही गया है, तो सितंबर का तो आप वैसे भी अक्टूबर के अंदर पूरे क्वार्टर का GSTR 1 फाइल करूँगी ही करूँगे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमने थर्ड क्वार्टर की बात, थर्ड मंथ की बात नहीं की, हमने ओनली क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ की ही बात की। तो फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट
एंड सेकेंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर सच ए रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव द फैसिलिटी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज टू द रजिस्टर्ड पर्सन एज ही मे कंसिडर नेसेसरी बिटवीन द डे फर्स्ट डे ऑफ द सक्सेसिंग मंथ, मतलब जुलाई की आउटवर्ड सप्लाईज आपको जुलाई एंड होने के बाद जो मंथ आएगा अगस्त, तो 1 से 13 के बीच में आपको फर्निश करनी पड़ेगी, और 13 के बाद आप फर्निश नहीं कर पाओगे, और वो लोग भी फर्निश नहीं कर पाएंगे जिनकी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स 50 लाख से ज़्यादा है इन ईच मंथ। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, आपकी बहुत सारी इन्वॉइसेस है जिसमें से आप 4 इन्वॉइसेस, 5 इन्वॉइसेस, 2 इन्वॉइसेस की डिटेल्स आप देना चाहते हो, तो जितनी इन्वॉइसेस की डिटेल्स आप फर्निश करना चाहते हो वो मंथ एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ के 13 दिन के अंदर आप IFA के थ्रू दे देना। फिर GSTR 1 के अंदर उन डिटेल्स को आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो रिमेनिंग इन्वॉइसेस है वही आपको GSTR 1 के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी क्वार्टर एंड होने के बाद। ये था आपका क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न तो आया ही नहीं, क्वार्टरली फाइलिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आया, क्योंकि रिटर्न भी आपको क्वार्टरली फाइल करनी है, तो आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स भी आपको क्वार्टरली देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहो तो इनवॉइस फर्निशिंग आप मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो मंथ एंड होने के 13 दिन के अंदर। लेकिन जो GST का जो पेमेंट आपको करना है वो GST का पेमेंट तो आपका मंथली ही होगा क्या बेटा? ये जो GST का जो पेमेंट करना है ना, ये मंथली बेसिस पे होगा, ये क्वार्टरली बेसिस पे नहीं होगा। अब यदि मंथली बेसिस पे होगा तो कैसे कैलकुलेट करना होगा? वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, यदि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 है, तो मतलब ये कि क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर के रिटर्न तो आप एक साथ फाइल करोगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अक्टूबर का टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा, नवंबर का टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा, दिसंबर का टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा, मंथली मंथली टैक्स पे करना पड़ेगा, अक्टूबर अलग से, नवंबर अलग से, दिसंबर अलग से। मतलब अक्टूबर का टैक्स आप 25 नवंबर तक पे कर दो, नवंबर का टैक्स आप 25 दिसंबर तक पे कर दो, और दिसंबर तो पूरे क्वार्टर का ही आ गया, तो वो रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी उसके साथ आप पे कर देना, जो मैं क्वार्टरली रिटर्न की ड्यू डेट की बात कर रही हूँ। विथ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इस तरीके से आप टैक्स का पेमेंट करोगे। तो पॉइंट ये आया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का GSTR 3 भी पूरा का पूरा एक साथ फाइल करना पड़ेगा आपको जनवरी में, या तो 22 तारीख को या 24 तारीख को, जो आगे आएगा तब बताऊंगा। लेकिन आप रिटर्न अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जनवरी में देते रहना, लेकिन आपको अक्टूबर का टैक्स नवंबर में पे करना पड़ेगा, नवंबर का टैक्स आपको दिसंबर में पे ही करना पड़ेगा। तो अक्टूबर का टैक्स 25 नवंबर को, नवंबर का टैक्स 25 दिसंबर को आपको पे करना है। सर, ये GST कैलकुलेट कैसे करूँगे? तो यहाँ पे जो GST का जो पेमेंट आपको मंथली बेसिस पे करना है, इसके लिए 2 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन जो आपको ऑलरेडी पता है, सर कौन सा ऑप्शन? अक्टूबर का टैक्स जब आप 25 नवंबर को पे करोगे तो आप ये देखोगे कि अक्टूबर के अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज पे कितना टैक्स बनता है और इनवर्ड सप्लाईज पर कितना आपका ITC बनता है। इन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का डिफरेंस बेटा? आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर जितना भी आपका GST पेएबल है, मतलब ये कि अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 2021 में जितनी भी आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की, तो आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर अक्टूबर में जितना GST पेएबल है, और अक्टूबर में जो आपने इनवर्ड सप्लाईज ली, अक्टूबर में जो आपने इनवर्ड सप्लाईज ली उस पर जितना भी आपका ITC अवेल्ड है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दैट इज अ टैक्स पेएबल। और जितना आपका टैक्स बनता है पूरा का पूरा पे कर दो 25 नवंबर तक।
मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिटर्न आप जनवरी में दोगे, लेकिन अक्टूबर का टैक्स आपको 25 नवंबर को ही पे करना पड़ेगा, जितना टैक्स आपका बनता है पे करना, नेट ऑफ ITC, आफ्टर ITC, ITC यूटिलाइज करने के बाद जितना GST आपका बनता है वो GST आप पूरा का पूरा पे कर दो। सर गवर्नमेंट ने यहाँ पे दो मेथड क्यों दिए? दो मेथड इसलिए दिए क्योंकि SSC ऐसा बोल सकता है भैया क्या आएगी, आप बोलते हो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिटर्न जनवरी में देनी है, तो हो सकता है कि मैं अक्टूबर का टैक्स कैलकुलेट ही ना करूं, तो मुझे लप्पा मेथड भी दो। ओके, तो लप्पा चाहिए, ठीक है लप्पा दे देंगे। तो लप्पा कैसे देंगे दादा? देख, तो अक्टूबर नवंबर में जो तू टैक्स पे करेगा ना, वो इस बात पर डिपेंड करेगा, क्योंकि तू तो अभी कैलकुलेट करेगा ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हें रिटर्न अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जनवरी में पे करनी है तो अक्टूबर में कितना सरप्राइज कि आप देखेगा ही नहीं, क्योंकि आपका अकाउंटेंट ही जनवरी में आएगा। तो इसलिए तुम ऐसा कर सकता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जब रिटर्न जनवरी में होगा, लेकिन टैक्स तो हमें अक्टूबर का नवंबर में ही चाहिए, तो ये कैसे पे करेगा? ये ऐसे पे करेगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो आपका क्वार्टर है उसके पहले का जो क्वार्टर है, दैट इज अ प्रीसीडिंग क्वार्टर। द प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या हुआ? जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर। तो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर जो प्रीसीडिंग क्वार्टर के अंदर जितना भी आपने GST पे किया है, इन केस केस में, तो केस में जितना भी आपने GST पे किया है, आप किसकी बात कर रहे हो? मंथ की बात कर रहे हो, पूरे क्वार्टर की बात कर रहे हो? सर पूरे क्वार्टर की बात कर रहे हो, और जबकि GST जो आप पे कर रहे हो वो एक महीने का पे कर रहे हो, तीन महीने का पे कर रहे हो, अक्टूबर का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैं अक्टूबर में कैलकुलेट तो करूंगा नहीं। एक तरीका है कि पूरी मेहनत करके करो, अक्टूबर के अंदर कितना सप्लाई किया, कितना GST बना, कितना इन्वर्स सप्लाईज पर ITC बना, एक तरीका तो ये है, दिस इज द मेथड नंबर वन। एक मेथड तो ये हो गया सेल्फ असेसमेंट मेथड। दूसरा मेथड क्या हुआ? दूसरा मेथड होता है लप्पा। तो लप्पा मेथड ये कहता है भैया अभी आपने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की, तो अक्टूबर में जो आप टैक्स पे करोगे 25 नवंबर तक वो आपके पुराने वाले क्वार्टर पर बेस्ड है। तो अक्टूबर मतलब आपको एक महीने का टैक्स पे करना है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रीसीडिंग क्वार्टर में चले गए। तो प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा बेटा? जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर मतलब तीन महीने। बोलो मेरे साथ कितने महीने? तीन महीने। तो तीन महीने में जुलाई अगस्त सितंबर में जितना भी आपने GST केस में पे किया था, तो उसका कितना परसेंट होना चाहिए? वैसे यदि उसको लॉजिकली यदि देखूं बहुत ज्यादा, तो यदि मैंने पहले वाले क्वार्टर के अंदर जितना भी GST पे किया वो तीन महीने का है, तो एक महीने का कितना होना चाहिए? बोलो एक महीने का कितना होना चाहिए? डिवाइडेड बाय थ्री। तो यदि मैंने जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर यदि 9000 का GST यदि पे किया है केस में यदि 9000 का GST यदि पे किया है, तो 9000 डिवाइडेड बाय थ्री, तो पर मंथ कितना हो गया? 3000। इस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन लो मेकर ने बोला कि हम 1/3 नहीं रखेंगे, हम ये जो फिक्स सम जो रखेंगे दैट विल बी लप्पा, और लप्पा इज कि अक्टूबर में जो GST आप नवंबर में पे करोगे, तो अक्टूबर में जो GST पे करना पड़ेगा और प्रीसीडिंग क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर पर बेस्ड होगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर जितना भी आपने GST केस में पे किया है उसका 35% आपको अक्टूबर में पे करना पड़ेगा, उसका 35% आपको नवंबर में पे करना पड़ेगा, और दिसंबर में तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कितना टैक्स बनता है, तो दिसंबर में तो आपको एक्यूरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हो गया FSM, FSM फिक्स्ड सम मेथड, FSM फिक्स्ड सम मेथड। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द QRMP वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट टू मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021, तो दिसंबर का टैक्स, तो दिसंबर की रिटर्न, मतलब दिसंबर मतलब पूरे क्वार्टर की जब रिटर्न जाएगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिटर्न, तो
दिसंबर का टैक्स तो उस रिटर्न के साथ पे हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द अक्टूबर एंड नवंबर? क्योंकि अक्टूबर नवंबर की जो रिटर्न है वो तो दिसंबर के साथ जनवरी में ही फाइल होगी, तो रिटर्न तो क्वार्टरली है लेकिन पेमेंट मंथली है। तो जब मंथली पेमेंट होगा तो इन्होंने क्या बोला कि जिस भी क्वार्टर की रिटर्न आप क्वार्टरली पे करोगे तो क्वार्टर की रिटर्न तो आपको क्वार्टरली फाइल करनी है, लेकिन क्वार्टर का जो टैक्स है वो आपको मंथली पे करना पड़ेगा। इसलिए उस क्वार्टर की जो पहले के दो महीने, मतलब हमारा जो क्वार्टर था वो था क्या था बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर फर्स्ट टू मंथ, तीन महीने इस क्वार्टर के अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हमने दो महीने कौन से ले लिए, अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर जो स्टार्टिंग के दो महीने हैं उस क्वार्टर के, पूरे ईयर के नहीं, क्वार्टर के दो महीने, अक्टूबर नवंबर के जो मंथ है उनका जो टैक्सेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 06। कौन सा फॉर्म बेटा? फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 06 में 25th ऑफ द मंथ सक्सेसिंग द मंथ, मतलब अक्टूबर का टैक्स, अक्टूबर के बाद आने वाला मंथ कौन सा है, नवंबर, तो 25 नवंबर तक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जितना भी टैक्स ड्यू होगा। नवंबर का टैक्स भी आपको नवंबर एंड होने के बाद जो सक्सेसिंग मंथ होगा रिजा दिसंबर, तो 25 दिसंबर तक वो टैक्स ड्यू आपको पे करना होगा। इट इज अ मंथली पेमेंट, और दिसंबर का जो टैक्स होगा वो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो रिटर्न जनवरी में जाएगी उसी के साथ जनवरी में दिसंबर का भी टैक्स पे हो जाएगा। वाइल जनरेटिंग द चालान, अब जब आप अक्टूबर का टैक्स नवंबर में पे करोगे, नवंबर का टैक्स आप दिसंबर में पे करोगे, तो आपके रिटर्न तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जनवरी में फाइल होगी। इसलिए वाइल जनरेटिंग द चालान, क्योंकि जीएसटी का पेमेंट आप कैसे करोगे, चालान के थ्रू, तो टैक्स पेयर शुड सेलेक्ट मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर एज रीजन फॉर जनरेटिंग द चालान। और ये जब पर्सन अक्टूबर का टैक्स 25 नवंबर को पे करेगा और नवंबर का टैक्स अब 25 दिसंबर को पे करेगा, तो ये टैक्स पे करने के लिए, जीएसटी पे करने के लिए उसके पास इन दो महीने के टैक्स पे करने के लिए उसके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। सर बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये आपका क्वार्टर है, या आप चाहो तो क्वार्टर चेंज भी कर सकते हो यदि आपको याद हो गया। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हो, जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न आप अक्टूबर में फाइल करोगे, इसलिए तो जुलाई अगस्त सितंबर के जो क्वार्टर है उस क्वार्टर के जो दो महीने जुलाई और अगस्त, तो जुलाई और अगस्त का टैक्स आपको मंथली पे करना पड़ेगा, जुलाई का अगस्त, अगस्त का सितंबर, और सितंबर का अक्टूबर वैसे ही होगा क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न जब अक्टूबर में जाएगी उसके साथ सितंबर का टैक्स अक्टूबर में पे हो जाएगा। तो सितंबर का जो टैक्स है वो तो एक्चुअल बेसिस पे होगा क्योंकि आपकी रिटर्न है, तो रिटर्न के साथ आपको पता चल जाएगा कितना टैक्स बनता है, उतना टैक्स आप पे कर दो। लेकिन जो आपका क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उस क्वार्टर के जो पहले के जो दो महीने हैं जुलाई अगस्त या अक्टूबर नवंबर, उसका जीएसटी पेमेंट करने के लिए यू हैव टू मेथड्स, नंबर वन फिक्स्ड सम मेथड, नंबर टू सेल्फ असेसमेंट मेथड। जो मेथड नंबर टू है वो तो आपको ऑलरेडी पता है। सर जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीएसटी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अपना मंथ अक्टूबर है, तो अक्टूबर के अंदर आपने कितना सप्लाईज किया आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए, क्योंकि रीजन भी आएंगे, पूरा का पूरा काम क्वार्टरली करेगा, जब रिटर्न क्वार्टरली है तो पेमेंट मंथली है, तो बोलता है भैया यार पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए फिक्स सम मेथड बना दिया। एक तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसे अपन बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, मतलब अक्टूबर के अंदर जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है उस पर कितना टैक्स बनता है, अक्टूबर के अंदर जितनी आपकी इनवर्स सप्लाईज है उस पर कितना आपने आईटी से लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, देयर इज अ टैक्स ड्यू। तो अक्टूबर का टैक्स नवंबर में 25 नवंबर तक पे कर दो, और नवंबर में जितनी आपने आउटवर्स सप्लाईज की उनका टैक्स पेबल हो गया,
और जो नवंबर के अंदर जो आपने आईटी से अवेल्ड किया वो डिफरेंस निकाल लो, और जो टैक्स ड्यू हुआ नवंबर का हुआ 25 दिसंबर तक गवर्नमेंट को पे कर दो। ये तो SAM है, सेल्फ असेसमेंट मेथड। देयर इज अ ट्रेडिशनल मेथड, जब आपने एसएससी को क्वार्टरली रिटर्न पे करने के लिए बोला है तो एसएससी बोलेगा भैया मैं तो क्वार्टर से पहले मेहनत करूंगा ही नहीं कि मेरी कितनी आउटवर्ड सप्लाईज है, मैं देखूंगा ही नहीं। जब मुझे रिटर्न क्वार्टरली पे करनी है तो मैं इस क्वार्टर की आउटवर्ड सप्लाई और आईटी से भी क्वार्टर एंड होने के बाद ही चेक करूंगा। तो ऐसे एसएससी के लिए हमने एक लप्पा मेथड बनाया FSM, फिक्स्ड सम मेथड, जो मैंने समझाया था। अब एक बार रीड कर लेते हैं, एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूं, फिर रीड करता हूं जिससे अच्छी तरह क्लास में याद हो जाए। अक्टूबर नवंबर का जीएसटी मंथली पे करने के लिए लप्पा मेथड ये बोलता है कि इस क्वार्टर में आप मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए पहले के क्वार्टर में जितना भी जीएसटी आपने केस में पे किया है उसका 35% आप अक्टूबर में पे कर दो और 35% आप नवंबर में पे कर दो। एग्जाम्पल के साथ लूंगा बेटा, यहाँ पे एक बार हम लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपको लैंग्वेज में भी कोई फियर नहीं हो, मैं कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड भी पढ़ रहा हूँ। पहला मेथड, दो मेथड है बेटा, पहला मेथड FSM, फिक्स्ड सम मेथड। ए फैसिलिटी इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल फॉर जनरेटिंग प्री फिल्ड चालान इन द फॉर्म नंबर GST PMT 06 फॉर एन अमाउंट इक्वल टू द 35%। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर ये आपका क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर में जुलाई मंथ और अगस्त मंथ का टैक्स पे करने के लिए आप प्रीसीडिंग क्वार्टर में जाएंगे, और प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा हुआ बेटा आपका, अप्रैल मई जून। तो इस क्वार्टर में अप्रैल मई जून में जितना आपने जीएसटी पे किया, जीएसटी पेएबल नहीं बेटा, जीएसटी पेड इन केस नॉट फ्रॉम आईटीसी, तो टोटल जीएसटी की बात नहीं की जा रही है कि क्वार्टर के अंदर टोटल जीएसटी कितना बना, अप्रैल मई जून वाले पूरे क्वार्टर में, तीन महीने में, अप्रैल मई जून वाले पूरे क्वार्टर में, तीन महीने में आपने केस में कितना जीएसटी पे किया। फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी यदि 9000 का यदि पे किया है, फॉर एग्जांपल इजी बनाने के लिए 10000 का यदि आपने जीएसटी पे किया है, तो जुलाई में आप मत देखो कि आपका कितना आईटीसी बना, क्योंकि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न आप अक्टूबर में फाइल करोगे, इसलिए आउटवर्ड इनवर्ड में दिमाग लगाओ ही मत। आप तो एक काम करो, जो पहले वाला जो क्वार्टर है आपका अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून के अंदर आपने रिटर्न फाइल की होगी, तो अप्रैल मई जून के अंदर जितना भी आपने जीएसटी केस में पे किया है उसका 10,000 का 35% मतलब 3,500 आप जुलाई मंथ में पे कर दो लप्पे के आधार पे, और अगस्त मंथ में भी 10,000 का 35% आप पे कर दो, दैट इज अ 3,500। आपने ये पे कर दिया तो हम मानेंगे कि आपने बिल्कुल सही टैक्स पे कर दिया। ये रियल टैक्स नहीं है, ये लप्पा टैक्स है। फिर जितना आपने 7000 टैक्स पे कर दिया, जब आप सितंबर का टैक्स बनाओगे तो सितंबर का टैक्स लॉजिकल निकलेगा, वो प्रीसीडिंग क्वार्टर के आधार पे निकलेगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर का टैक्स कैसे निकलेगा, वो आपका नॉर्मल मेथड के थ्रू निकलेगा। मतलब बोलो तो आउटवर्ड सप्लाईज पर टैक्स पेएबल, इनवर्ड सप्लाईज पर आईटीसी, दोनों का जो भी डिफरेंस आया वो टैक्स बन गया। टैक्स में से जितना आपने पे कर दिया 7000 माइनस हो जाएगा, वो सितंबर का टैक्स आप अक्टूबर में पे कर दोगे क्वार्टरली रिटर्न के साथ। वेयर द रिटर्न वॉज फर्निस्ड क्वार्टरली, यदि प्रीसीडिंग क्वार्टर में यदि आपने रिटर्न यदि क्वार्टरली फाइल की थी, मगर प्रीसीडिंग क्वार्टर में भी आप क्यू आर एम पी थे,
या कोई भी रीज़न था तो आपने क्या किया था, क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था। यदि आपने अप्रैल मई जून का यदि रिटर्न फाइल किया था तो अप्रैल मई जून का जो जीएसटी केस में जो पे किया था 10,000 का 35%, और यदि रिटर्न प्रीसीडिंग क्वार्टर में यदि आपने मंथली फाइल की थी तो आपके पास जून का जीएसटी पता होगा, तो लास्ट मंथ में जितना भी आपने जीएसटी पे किया है, कौन से मंथ में बेटा, जून में, तो जून में जितना भी आपने जीएसटी केस में पे किया है वो पूरा का पूरा जीएसटी आपको जुलाई में और अगस्त में पे करना पड़ेगा। मान लो जून मंथ में जो आपने जीएसटी पे किया था, क्योंकि आपके रिटर्न मंथली थी मान लो जून में, तो जून में जो आपने रिटर्न मंथली फाइल की थी और जून का जीएसटी आपको पता ही है कि आपने कितना पे किया था, तो जून में यदि आपने 2000 का जीएसटी पे किया था तो जुलाई में आपको 2000 का जीएसटी पे करना पड़ेगा, अगस्त में भी 2000 का जीएसटी पे करना पड़ेगा। यदि पूरे मंथ का टैक्स ले रहे हो तो पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा, और यदि आप क्वार्टर का यदि टैक्स ले रहे हो तो क्वार्टर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे क्वार्टर का 35% एक मंथ में और दूसरे मंथ में भी 35%, क्योंकि क्वार्टर का टैक्स पूरा थोड़ी दे सकते हो, क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है और टैक्स जो आपको पे करना है वो ओनली एक ही महीने का पे करना है। इसलिए इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ बेटा, मैंने जानबूझ के दूसरा एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल आ गया जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। इन केस द लास्ट रिटर्न, जैसे कि आपका क्वार्टर जो है वो कौन सा बेटा, जनवरी फरवरी मार्च, तो यदि आपका क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च है, नहीं एग्जांपल में ये नहीं है, यदि हमारा जो क्वार्टर है वो अपना कौन सा बेटा, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून के लिए क्वार्टर एंडिंग कौन सा हुआ, लास्ट क्वार्टर, प्रीसीडिंग क्वार्टर, तो प्रीसीडिंग क्वार्टर हुआ आपका जनवरी फरवरी मार्च, और यदि आपने लास्ट रिटर्न जनवरी फरवरी मार्च की क्वार्टरली बेसिस पे फाइल की थी तो जनवरी फरवरी मार्च में जितना जीएसटी आपने केस में पे किया, तो जितना भी जीएसटी आपने पे किया उस जीएसटी का अप्रैल और मई, मतलब आपका जो अब क्वार्टर है उस क्वार्टर के स्टार्टिंग के 2 महीने में आपको 100 का 35%, 100 का 35%, 500 का 35%, आया समझ में, 50 का भी 35%, जो अपना क्वार्टर है उस क्वार्टर के 2 महीने स्टार्टिंग के 2 महीने का जीएसटी आप प्रीसीडिंग क्वार्टर में यदि आपने रिटर्न क्वार्टरली यदि फाइल की थी तो प्रीसीडिंग क्वार्टर के अंदर जितना भी आपने जीएसटी केस में पे किया उसका 35% आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा लब पे के आधार पे। लेकिन यदि लास्ट रिटर्न यदि आपने मंथली फाइल की थी फॉर द मार्च 2021, तो मार्च 2021 में जितना भी आपने जीएसटी पे किया है तो ये 1 महीने का ही है, तो अप्रैल में भी मई में भी पूरा का पूरा जीएसटी आप पे कर दो। इतना जीएसटी आपने अप्रैल और मई में पे कर दिया, जून का आपको एक्यूरेट बेसिस पे आपको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं जून की बात की नहीं, जून के लिए नॉर्मल मेथड एप्लीकेबल होगा। जून के लिए नॉर्मल मतलब ये कि जितना आपका टैक्स पेड है, जितना आपका ITC बनता है वो माइनस कर दो फ्रॉम द टोटल टैक्स पेएबल। 2 महीने के लिए 2 मेथड थे स्टार्टिंग के 2 महीने क्वार्टर के, एक तो हमारा था फिक्स सम मेथड 35%, और दूसरा मेथड इज अ सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट बहुत इजी मेथड है, रीड कर लेता हूँ, समझ में अपने आप आ जाएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन कैन पे द टैक्स ड्यू बाई कंसिडरिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑन द इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज एंड ITC अवेलेबल इन द फॉर्म नंबर GST PMT 06। मतलब एक्चुअल बेसिस पे जितना भी आपका GST बनता है उतना GST आपको GST PMT 06 में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एसर्टेनमेंट ऑफ द ITC अवेलेबल फॉर द मंथ, एन ऑटो ड्राफ्टेड ITC
हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन द फॉर्म नंबर GSTR 2B फॉर एवरी मंथ। मतलब आपको एवरी मंथ बेसिस पे GSTR 2B अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आपको ITC पता चलता रहे कि कितना ITC आपका बन रहा है। लेकिन ये खत्म हो गया कॉमन पॉइंट्स। कॉमन मतलब फॉर बोथ मेथड। अब चाहे आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड हो, चाहे आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड हो, चाहे आपका फिक्स सम मेथड हो, तो रजिस्टर्ड पर्सन बिल्कुल फ्री है कि दोनों में से कोई भी मेथड वो यूज कर सकता है, कोई भी मेथड वो यूज कर सकता है। और यदि आपका टैक्स लाइबिलिटी यदि निल है, तो आपको कोई भी डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है दो महीने में। मतलब ये कि यदि आपने GST कैलकुलेट किया, यदि वो GST का अमाउंट आपका जीरो आ रहा है, तो ना तो आपको 35% जमा कराने की ज़रूरत है, ना आपको फॉर एग्जांपल एक्चुअल बेसिस पे कुछ अमाउंट जमा कराने की ज़रूरत है, आपको कोई भी डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिफंड जो आपको मिलेगा वो पहले नहीं मिलेगा, यदि टैक्स का अमाउंट ज़्यादा हुआ, यदि आपने ज़्यादा पे कर दिया, तो जब आप क्वार्टर की GSTR 3B फाइल करोगे उसके साथ आपको रिफंड मिलेगा। और ये मैंने बता ही दिया, ये हमने बात की मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। मंथली पेमेंट कैसे होगा वो मैंने बता ही दिया। स्टार्टिंग दो महीने के लिए आपको 25 तारीख का, अगले महीने के 25 तारीख को टैक्स पे करना पड़ता है, और सेम लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए आपको क्वार्टर की रिटर्न की ड्यू डेट के साथ आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि टैक्स का पेमेंट तो मंथली है, लेकिन जो GSTR 3B है, जो आपकी रिटर्न है, वो आपकी क्वार्टरली है। मतलब ये कि यदि आपका क्वार्टर जुलाई अगस्त और सितंबर है, तो जुलाई अगस्त सितंबर की जो रिटर्न है GSTR 3B, ये आपको जुलाई अगस्त सितंबर ख़त्म होने के बाद फाइल करनी पड़ेगी, डेट इज़ अक्टूबर में। और अक्टूबर 2021 में कब, या तो 22 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को, ये डिपेंड करता है स्टेट पर। ये लिंक कर देता हूँ, सितंबर का टैक्स भी आपको 22 और 24 तक ही पे करना पड़ेगा, और जुलाई अगस्त के टैक्स की ड्यू डेट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 25 सितंबर नहीं, जुलाई का 25 अगस्त और अगस्त का 25 सितंबर। और सितंबर के लिए क्या हो गया, GSTR 3B जब जाएगी पूरे क्वार्टर की, उसके साथ सितंबर का टैक्स भी आप पे करोगे 22 और 24। यहाँ पे जो बात हो रही है वो पॉइंट नंबर 5 में GSTR 3B की बात हो रही है, तो इसे मैं GSTR 3B की बात करता हूँ। रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने QRMP ऑप्ट किया है टू फर्निश द GSTR 3B फॉर ईच क्वार्टर ऑन और बिफोर द 22nd or 24th डे ऑफ द मंथ सक्सेसिंग द क्वार्टर। मतलब ये कि जुलाई अगस्त सितंबर पूरे क्वार्टर एंड होने के बाद अक्टूबर के 22 और 24 अक्टूबर तक आपको क्या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है GSTR 3B। The amount deposited by the registered person in the first 2 months shall be debited solely for the purposes of offsetting the liability। क्योंकि आप तो ऑलरेडी जुलाई अगस्त का टैक्स पे कर चुके हो, और जुलाई अगस्त का जितना भी टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उसका सेटअप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको उसका सेटअप मिल जाए। और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, या तो आपको टैक्स और पे करना पड़ेगा, या उसका आपको रिफंड क्लेम कर सकते हो। क्वार्टरली रिटर्न जुलाई अगस्त सितंबर की आपको अक्टूबर में फाइल करनी है, तो तारीख आपकी 22 होगी या तारीख आपकी 24 होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। यदि आपका रजिस्टर्ड पर्सन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस यदि स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, यदि इनमें यदि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न
22 अक्टूबर तक फाइल करनी होगी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर की रिटर्न आपको 22 जनवरी तक फाइल करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो अदर स्टेट है आपके लाइक स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर का आप रिटर्न 24 जनवरी तक फाइल करेंगे और जुलाई अगस्त सितंबर के रिटर्न आप 24 अक्टूबर तक फाइल करेंगे। नाउ वी कम टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर फिफ्थ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग द FSM। जिन लोगों ने फिक्स सम मेथड ऑप्ट किया है उनको GST पे करना है 2 महीने का, 25 तारीख को पे करना पड़ेगा, तो क्या वो इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। हम आपको ये नहीं बोलते कि जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई है तो जुलाई का टैक्स आप 25 अगस्त को पे करोगे और अगस्त का टैक्स आप 25 सितंबर को पे करोगे, तो ये जो भी टैक्सेस आप फिक्स मेथड के अंदर पे करते हो तो एक्यूरेट बेसिस पे तो पे करते ही नहीं हो। तो फिक्स सम में जो भी आप जुलाई का टैक्स पे करोगे, अगस्त का टैक्स पे करोगे, वो किस पर डिपेंड करेगा? सर वो अप्रैल मई जून पर डिपेंड करेगा कि अप्रैल मई जून में आपने कितना GST केस में पे किया है। तो अप्रैल मई जून में जितना भी GST आपने केस में पे किया उसका 35% यदि आपने पे कर दिया तो चाहे आपका जुलाई का टैक्स 2000 बने या 5000 बने कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल यदि अप्रैल मई जून में जितना आपने GST पे किया था केस में 10,000 का 35% कितना आया बेटा 3,500। यदि 3,500 रुपये का यदि अमाउंट आपने जुलाई में पे कर दिया है तो चाहे जुलाई का रियल में टैक्स 9,000 बने या 15,000 बने, यदि आप 3,500 रुपये जुलाई का टैक्स पे कर देते हो तो ये माना जाएगा कि आपने लॉ का प्रोविजन कंप्लाइंस किया। हो सकता है कि जुलाई का रियल में जो टैक्स बनता है आपकी सप्लाईज के आधार पे और इनवर्स सप्लाईज के आधार पे वो आपका बनता हो 5,000, 9,000, 1,000 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि आपने फिक्स सम मेथड के आधार पे जुलाई का जो टैक्स है वो 35% के आधार पे यदि 3,500 रुपये और जो भी 35% के हिसाब से अमाउंट आया, यदि 25 अगस्त तक यदि पूरा अमाउंट यदि आपने पे कर दिया है और रियल में आपका टैक्स जुलाई का 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 कितना ही बनता हो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट तभी बनेगा जब आपको टैक्स पे करना था 3,500 और आपने 3,500 से कम टैक्स पे किया। मतलब आपका टैक्स बनता है 35% और यदि 35% से यदि आपने जितना भी टैक्स हम पे किया उस पर आपका क्या होगा इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम। रीड कर लेते हैं बेटा एक बार अपन। फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग फिक्स्ड सम मेथड नो इंटरेस्ट वुड बी पेएबल इफ टैक्स ड्यू इज पेड इन द फर्स्ट 2 मंथ। कौन कौन से 2 मंथ? जुलाई और अगस्त। तो जुलाई का टैक्स 25 को और अगस्त का टैक्स 25 को, जुलाई का टैक्स 25 अगस्त को, अगस्त का टैक्स 25 सितंबर को यदि आपने पे कर दिया, ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम दैट इज अ 35% बाय द ड्यू डेट दैट इज अ 25-25। तो इन अदर वर्ड If while furnishing the return in the form number GST R 3B, it is found that in any or both of the first 2 months of the quarter, the tax liability net of the credit was higher. इसका मतलब ये हुआ कि आपने टैक्स 3,500 रुपये का दिया है जुलाई में
मेरा जुलाई का टैक्स आपने 3500 रुपये का दिया, लेकिन जुलाई के लिए जो आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो 9000 बनती है, 8000 बनती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा इस ग्राउंड पे कि आपने टैक्स कम पे किया है, क्योंकि आपने कौन सा मेथड ऑप्ट किया था, फिक्स सम, और फिक्स सम के अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल बेसिस पे टैक्स नहीं पे करना था। आपका टैक्स कितना भी बनता कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो प्रीसीडिंग क्वार्टर के अंदर जो भी आपने GST पे किया था उसका 35% आपको पे करना था, और यदि आपने 35% पे कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना कम टैक्स पे किया हो एक्चुअल बेसिस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स सम मेथड के अंदर यदि आप फिक्स सम 35% के हिसाब से यदि जुलाई और अगस्त का यदि टैक्स पे कर रहे हो तो जुलाई अगस्त में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो सर इंटरेस्ट कब लगेगा? इफ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय डिपॉजिटिंग सिस्टम कैलकुलेटर अमाउंट ऑफ फॉर्म नंबर GST PMT 06 इज नॉट डन बाय द ड्यू डेट। मतलब जुलाई का 2500-3500 रुपये 35% के हिसाब से आपको 25 अगस्त तक पे करना है, लेकिन यदि आपने 25 अगस्त तक जितना कैलकुलेटेड अमाउंट है यदि पूरा अमाउंट यदि आपने नहीं पे किया तो आपको इंटरेस्ट 18% का देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18% पर एनम। सर कहाँ से कहाँ तक? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द फॉर्म नंबर GST PMT 06 से लेके द डेट ऑफ द मेकिंग द सच पेमेंट, उतने टाइम पीरियड का आपको 18% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये तभी लगेगा जब आपको जो बोला गया है वो आपने नहीं पे किया। तो आपको बोला कितना गया है? 35%। फर्दर इन केस द फॉर्म नंबर GST R3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट, इंटरेस्ट वुड बी पेएबल एज पर द प्रोविजन सेक्शन 50 दैट इज एट द रेट 18% पर एनम, इतना इंटरेस्ट आपका लगेगा। ये एग्जाम्पल कर लो। इस एग्जाम्पल के बाद यदि कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा तो हो ही नहीं सकता, इस एग्जाम्पल के बाद सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ना। रजिस्टर्ड पर्सन उसने क्या किया? ऑप्ट किया QRMP एड पेड ए टोटल अमाउंट ऑफ द 100 रुपीज इन द केस एट टैक्स लाइबिलिटी इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो जो प्रीवियस क्वार्टर है इसका कौन सा बेटा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसे टोटल GST कितना पे किया है पूरे क्वार्टर में? 100 रुपीज। तो जो अपना करंट क्वार्टर है दैट इज जनवरी और फरवरी, तो जनवरी और फरवरी में इसने क्या किया? जनवरी में भी 35 रुपीज़ दे दिया, फरवरी में भी 35 रुपीज़ दे दिया, और जनवरी का टैक्स इसने 25 फरवरी को दे दिया, और फरवरी का 35 रुपीज़ का टैक्स ने 25 मार्च को पे कर दिया। तो इसने अपना जो काम था कि प्रीवियस क्वार्टर में जो 100 रुपये का GST था जो केस में आपने जो पे किया था उसका 35% टैक्स आपने ड्यू डेट तक यदि आपने पे कर दिया, इट इज फाउंड दैट द लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाइज फॉर जनवरी वॉज ₹40। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी में एक्चुअल बेसिस पे आपका GST बनता 40 रुपया है, लेकिन आपने पे कितना किया है? 35। तो आपने GST कितना कम पे किया जनवरी में? 5 रुपया। तो क्या 5 रुपये में इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है भैया जनवरी फरवरी में आपको लप्पा मारना है, इसलिए लप्पा मार लिया। तो कितना लप्पा मारना था? सर जनवरी के अंदर फरवरी के अंदर जो प्रीवियस क्वार्टर था उसका 35% आपको टैक्स पे करना था, और जब आपने 35 टैक्स पे कर दिया तो चाहे आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी 40 रुपये हो या 42 रुपये हो सकता है कि आपने 5 रुपये और 7 रुपये का GST कम पे किया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। एक और एग्जांपल, इलस्ट्रेशन 2। रजिस्टर पर्सन जिसने QRMP ऑप्ट कर लिया और जो प्रीवियस क्वार्टर है, सर प्रीवियस क्वार्टर क्या है? अक्टूबर टू दिसंबर में कितना टैक्स आपने पे किया है केस में? 100 रुपीज। तो ई ऑप्ट टू पे द टैक्स अंडर फिक्स सम मेथड, तो जनवरी एंड फरवरी,
तो जनवरी में आपको क्या करना पड़ेगा, 25 फरवरी और फरवरी के अंदर 25 मार्च तक आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का 35% मतलब 35 रुपीज़, और 100 का 35% मतलब रुपीज़ 35 फरवरी का 25 मार्च तक आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इन इज रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड एट द टोटल लाइबिलिटी, और इसकी टोटल लाइबिलिटी कितनी आ गई बेटा, इन इज रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड दैट द टोटल लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर नेट ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट वॉज रुपीज 125, बट ही फाइल्स द रिटर्न ऑन 30 अप्रैल। क्या क्या गलती, क्या गलती कर दी बेटा उसने, क्या गलती कर दी, सर गलती नहीं की, 22 या 24 तक उसको फाइल करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, कौन सा वाला, सर फर्स्ट 2 मंथ्स का तो नहीं लगेगा उस पे। बिल्कुल भाई, जनवरी फरवरी का तो कोई इंटरेस्ट लगने वाला ही नहीं है ना आपका, क्योंकि जनवरी फरवरी में तो आपने पूरा काम कर दिया, और जनवरी फरवरी तो आप इग्नोर मारो, क्योंकि 35 रुपीज़ के हिसाब से आपका टैक्स पे हो गया, बिल्कुल सही पे हो गया। लेकिन लफड़ा क्या कर दिया इसने, लफड़ा ये कर दिया कि इसको रिटर्न 30 अप्रैल तक फाइल करनी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न वैसे कब फाइल करनी थी बेटा आपको, 22 या 24 को, तो 22 और 24 को ही रिटर्न फाइल कर देता तो 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं लगता इसका। लेकिन 22 और 24 को रिटर्न फाइल करनी थी, लेकिन रिटर्न आपने 30 अप्रैल को फाइल की, तो जितना आपने डिले किया इतने दिन का आपके ऊपर 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा डिफरेंशियल अमाउंट का, 125 माइनस ऑलरेडी अमाउंट पेड दैट इज अ 70। समझ में आया बेटा, सर यदि इसने 35 भी नहीं दिया होता तो, यदि इसे 35 भी नहीं दिया होता तो इसका इंटरेस्ट और बढ़ जाता फिर तो। समझ में आ गई बात बेटा, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगा वो डिफरेंशियल अमाउंट का लगा ओनली फॉर द पर्पज हो कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो सेप्टेम्बर मंथ में लफड़ा हो गया, तो उसका इंटरेस्ट लग रहा है ओनली, कि आपने 35% वाली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर ली, लेकिन जो रिटर्न फाइल की तो रिटर्न लेट फाइल की, तो ऑब्वियसली टैक्स भी आपका लेट जमा हुआ, तो उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट लग गया। ये बार रीड कर लेना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर 7, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फीस, ऑब्वियसली आपको याद आ रहा होगा आपने सेक्शन 47 पढ़ा होगा, तो सेक्शन 47 के अंदर यदि आपने कोई भी रिटर्न या आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स यदि आपने टाइमली फाइल नहीं किया तो उस केस में लेट फीस लगती थी, वही लेट फीस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं है फॉर डिले इन द पेमेंट ऑफ द टैक्स इन द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो 2 मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लेट फीस वैसे भी आउटवर्ड सप्लाईज की होती है तो क्वार्टर रिटर्न की होती है, तो इसके हिसाब तो ये लिंक होगा भी नहीं क्योंकि तो पेमेंट का है, तो लेट फीस को किसकी वजह से लगती है बेटा, लेट फीस किसकी वजह से लगती है, टैक्स पे करने की वजह से, सर टैक्स नहीं पे करने की वजह से लेट फीस नहीं लगती, सर टैक्स नहीं पे करने की वजह से इंटरेस्ट लगता है, तो टैक्स नहीं पे किया उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, वो बात ही मत करो। लेकिन यदि आपने आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स फाइल नहीं किया तो सेक्शन 47 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो जो भी आपका ये क्वार्टरली रिटर्न है या जो भी आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स है ये जो यदि आपने फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर क्या होगा, लेट फीस एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे हमारा QRMP का जो स्कीम है वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर छोटा सा, बहुत छोटा सा एक अमेंडमेंट हुआ, इतना सा अमेंडमेंट है कि आपको जो भी GSTR 3B या GSTR 1 फाइल करना है यदि वो निल है, क्या बेटा निल, जो GSTR 3B जो आपको फाइल करना है यदि वो निल है, GSTR 1 जो आपको डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज करना है यदि वो निल है, मतलब निल GST बनता है, और यदि आपको कोई स्टेटमेंट यदि फाइल करना है CMP 08 के अंदर जिसका निल स्टेटमेंट है, मतलब GST बन नहीं रहा है, तो ऐसे में आप
ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन जो रिटर्न है ना, आजकल सबके हाथों सबके पास जेब में क्या होता है, मोबाइल होता है, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन। तो आप अपने स्मार्टफोन के SMS फैसिलिटी के थ्रू क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो। क्योंकि वैसे भी जब आपने रजिस्टर्ड कराया होगा तो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा जो वेरीफाइड हुआ होगा थ्रू OTP। तो इसलिए कंसेप्ट दिया गया कि यदि आप कोई निल रिटर्न फाइल करते हो, चाहे वो GSTR 3B की हो, चाहे वो GSTR 1 की हो, चाहे वो GST CMP 08 कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन के लिए कोई निल स्टेटमेंट हो, यदि ये फाइल करना है जिसमें GST आपका कुछ भी नहीं बन रहा, जिसमें GST आपका अंडा है, जिसमें GST आपका निल है, तो ये रिटर्न आप SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। बस एक बार रीड कर लेते हैं, मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बाई SMS फैसिलिटी, कौन से पर्सन के लिए कवर है, फॉर ए रजिस्टर्ड पर्सन, पॉइंट नंबर 1, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ निल रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन अ फॉर्म नंबर GSTR 3B, निल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37 इन अ फॉर्म नंबर GSTR 1, नंबर 3, निल स्टेटमेंट इन द फॉर्म नंबर GST CMP 08 फॉर ए टैक्स पीरियड। इन तीन रजिस्टर्ड पर्सन एनी रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग शैल इंक्लूड फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न और आउटवर्ड सप्लाईज और स्टेटमेंट थ्रू SMS यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड द रिटर्न और द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और स्टेटमेंट शैल बी वेरीफाइड बाय द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेस्ड OTP। मतलब ये कि आपने मोबाइल से SMS के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, जो आपका OTP के थ्रू वेरीफाइड होकर आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, यदि वो रिटर्न आपकी निल स्टेटमेंट की हो, निल रिटर्न हो, या निल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज हो, तो आप SMS के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हो और ये ऑनलाइन फाइल माना जाएगा। और इसी के साथ हमारा रिटर्न वाला चैप्टर का अमेंडमेंट भी कंप्लीट हुआ और रिटर्न वाला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।